यस अदित्य, हाँ जी बोलो। मैम, सेल एंड्रिकल में है। यस, सिल्वर कॉइंस आर गिवन हुज डायमीटर इज 1.75 एंड हुज थिकनेस, थिकनेस मींस 2 मिलीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज मिलीमीटर। सिलेंड्रिकल कॉइन्स आर गिवन एंड कॉइन्स आर हैविंग द शेप ऑफ सिलेंडर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर हियर। सो दिस इज योर सिलेंडर, डायमीटर इज गिवन, व्हाट विल बी रेडियस 1.75 by 2, दैट इज सेंटीमीटर, एंड दिस इज इन मिलीमीटर। व्हाट रिलेशन डू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर हैव, क्या रिलेशन होता है? एनीवन? अदिति, अदित्य, अंकिता, अरमान। मैम एक बार रिपीट कर दो मैम, मेरा नेटवर्क थोड़ा इश्यू था मैम। सेंटीमीटर, 1 मिनट, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन? गैप ऑफ 100 100 का मैम 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो टेन बोलो, का, 10 का रिलेशन है, 100 का नहीं है। अरमान का 100 का है। ये अदित्य आप क्या बोलते जा रहे हो? दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस यू विल चेंज टू सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, ये देखो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 by 10 के, तो आप इसको डिवाइड करोगे 2 by 10 हो जाएगा सेंटीमीटर, यू कैन राइट 1 by 10। ठीक है, आई हैव रिटन इट इन सेंटीमीटर, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप। आपने क्या करना है, पहले एक कॉइन रखा, कॉइंस कॉइन के ऊपर आप ऐसे कॉइन रखते जा रहे हो ऐसे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, क्या फॉर्म होगा, इससे लिखा हुआ है ना, आपको कहता है इस इनको मेल्ट करके, आपको कहता है ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि क्यूबॉइड बन जाए, ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बन जाए, इसका मतलब क्या होगा, यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड, 1 सिलेंडर। आपको ऐसे कितने सिलेंडर चाहिए, मींस पॉइंट्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स यू हैव टू फाइंड कि उसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाए, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन इन सेंटीमीटर। एक मिनट जरा, बहुत ज्यादा शोर। यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ 1 पॉइंट, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंच। तो वी आर नॉट नोइंग द नंबर्स ऑफ पॉइंट, सो यू विल टेक देम एज एन, सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हियर, सो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट, रेडियस इज, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन रिमूव द डेसिमल, पुट द जीरोस हियर, यू कैन डिवाइड इट, व्हाट यू विल बी गेटिंग, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ऐसे डायरेक्ट कटिंग हो रही है, 5 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
have to find the number of point. Let n, let number of points be n. You need to find the value of n here. What you will do? You will find the volume of cuboid here. Length is given. Length is 5.5 centimeter. Breadth is 10 centimeter. Height is 3.5 centimeter. So you will find volume of
क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच. 5.5 × 10 × 3.5. रिमूव द डेसिमल, कैंसिल इट आउट, यू विल मल्टीप्लाई 5.5 × 35. राइट द आंसर. वी कैन लीव इट एज इट इज. वी विल सॉल्व इट डायरेक्टली विद दिस दिस फर्स्ट टर्म. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस दैट विल बी. अब देखो इसमें से कौन सा बिगर है. एक ही कॉइन है, एक ही क्यूबॉइड है. कॉइंस आपने बहुत सारे लेनी है जिनको मेल्ट करके क्यूबॉइड बनेगा. तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड इज हैविंग लार्जर वॉल्यूम. सो यू विल डिवाइड दिस 5.5 × 35 विद दिस टर्म. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर. पाई इज नॉट गिवन. सो यू विल टेक 49 × 22. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पहले बाद में वैल्यू. 64 × 5 × 7. Is it okay? ये जो वैल्यू थी आपने यहाँ पे डिवाइड करना था ना इससे, तो मैंने इसकी वैल्यू 22 पुट कर दी. 49 और 22 यहाँ आ गए. एंड रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स विल मूव टू द न्यूमेरेटर. सो प्लीज सॉल्व इट. यू विल गेट 10 हियर, 5 × 2 = 32, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 7, 5. Write the remaining things first, then you can cancel it out again. Don't cancel all the things in one step. Maybe you can make some mistake. 5, 2, that is 16. So you will be getting there 425 × 16, 16 × 5 = 80, 18 × 4 = 400 points. So means if you melt 400 points of this dimension, then that will form a cuboid of this length, breadth, and height. That means you require 400 such points. Question number seven is, a cylindrical bucket. A bucket is given which is cylindrical in shape, whose height is given 32 centimeter, base radius is given as 80. Height is 32 and radius is 80. Is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap is formed. जो बकेट में सैंड है आपने उसको टर्न कर दिया. जो सैंड है इट विल फॉर्म अ हीप ऑन द ग्राउंड एंड हूज हाइट इज गिवन एज 24. यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप. ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग दैट कभी आप कोई चीज इससे ऊपर से डालोगे तो इट विल फॉर्म हीप. हीप इन द फॉर्म ऑफ द कोन.
Height is given as 24. You need to find the radius and the sum. So first of all, what you will do? If you will put all the sand on the ground, that means cone will be formed. That means volume of cylinder and volume of cone will be same. You need to find R and L. So in case of this, you will find the volume of cylinder. You can equate it directly or you can solve it separately as noted. So I'm writing volume of cylinder as pi R square H. Okay? Is it okay? Now I'm writing here height as 24 centimeter. You need to find capital R and slant for cone. And this is your cylinder. And here, volume of cone is 1 by 3 pi R square H. Got it? And according to question, you will equate them. Pi R square H is equal to 1 by 3 pi capital R square H. Pi will cancel out. R square H, 3 will be multiplied this side. Okay. Radius is 18 into 18. Height is 32. This radius is missing here. And height is 24. Got it? Now, divide it by 24. 3 into 18 into 18 into 32 upon 24. 3 is a 84. 18 into 18 is 18 into 18 is 3 to 4 into 4. So multiply. Yeah, I know. Kya are multiply karke? Tell me the answer. That will be equal to R square. If you don't want to make factor, leave it as it is. You will put square root 18 into 18 into 4. Out of these 18, you will take 1 out, and out of 4, you will take 2. That will be 36. So you will be having radius at 36 centimeters. So radius of the cone is 36. And here we want to find the slant height. L is equal to under root h square plus r square. H is 24. Radius is 36. 24 square is 576 plus 36 square. Find it hurry up and tell me the slant height. Tell me the slant height. Complete it hurry up. क्या आ रहा बच्चे 36 into 36 done yes अशी मैम slant height आ रही है 12 root 13 क्या कह रहे हो slant height total पूरी आ रही है 12 root 13 So this is your slant height. All these questions are very much lengthy. Maybe sirf yehi exercise aaj ho payegi. Next we will start in the next class. And on Thursday you have test. No, in this week you are not having test. Okay.
Done. Done. Shall I start with the next question? Yes, next question is, water in a canal 6 meter wide, 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. जो canal है, इस तरह से flow कर रही है, उसकी actually it is cuboid in shape. जो canal की shape है, वो क्या है? Cuboid shape है. उसकी length given है. Length given है. Sorry, length is not given. That I will tell you later. Breadth is 6 meter. Height, depth means height is given. And the speed of flowing is given. Pani jo hai, jis speed pe flow kar raha hai, that is given as 10 kilometer per hour. So, jis speed pe pani flow kar raha hai, is tarah se. Theek hai, 1 hour mein pani jo flow kar raha hai, that will be the length. 10 kilometer per hour. That is the length of the water. Now it is cuboid, so all the dimensions are given. And have you seen this? These are two are in meter, but this is in kilometer. So what you will do here is you will convert this into, you will multiply kilometer with meter by multiplying it with 10,000 meter per hour. 10,000 meter per hour. So water is flowing. What volume of water flowing in 1 hour means 60 minutes is LVH. जितना उस टाइम पे उसकी 1 hour में जितनी स्टैंडिंग पोजीशन होगी पानी की, that will be the volume LVH. So you will multiply 10,000 into 6 into 1.1. So this is the volume of water flowing in 1 hour. You can multiply it 15, 6 are 90 with 3 zero. 90,000 meter cube water is flowing in 1 hour. So 60. So volume of water flowing in 60 minute की जगह आपने क्या करना है? देखिए, आपने 60 minute की जगह find करना है 30 minute में कितना पानी flow करेगा, ठीक है? तो 30 minute means अगर 60 minute में the 30 minute is half of this. So, the half of the data I am writing correctly, 45,000 meter. Is it okay? Is it okay, beta? So, this is the volume of water flow. Now, dekho, ye jo pani flow kar raha hai, in the next statement, it is given that how much water, how much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required. अब आपने इसी पानी से क्या करना है? एक ground है जो उसको irrigate करना है. उसपे अब जो ground है that will be rectangular in shape. Rectangular means cuboid होगा. उसमें कहता है उस जो ground है ना उसमें 8 centimeter standing water चाहिए, means height चाहिए. तो let a meter square, area है ना तो meter square रहेगा. Let x meter square be the area irrigated. Okay. तो अब आपने क्या करना है? अब जो area है that is cuboid in shape, उसका area आ गया. मैंने आपको बताया था. अब जो floor है वो rectangular होती है, लेकिन उसकी height भी है तो cuboid बन गया. अब जितना पानी ये है 30 मिनट में इसने एरिया को इरिगेट कर देगा, ठीक है? अब क्यूबॉइड होगा तभी पानी भरेगा उसके अंदर 8 सेंटीमीटर, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो यहाँ क्या करेंगे? और वॉल्यूम होता कैसे है? एरिया ऑफ बेस इन टू हाइट, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट यू विल डू, यू विल टेक 8 इनटू हाइट. हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45,000 मीटर. Is it okay? Is it okay, बेटा? जितना ये वाटर है 30 मिनट में इतना पानी आ रहा है,
इस पानी से इस वाली फील्ड को इरिगेट करना है। तो इसका जो एरिया है दैट इज मतलब वॉल्यूम हो गया, क्योंकि वाटर की आपको स्टैंडिंग पोजीशन चाहिए तो रेक्टेंगुलर की जगह क्यूबॉइड है, तो हाइट दे रखी है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम। कन्वर्ट दिस, दिस इज 8/100 मीटर, 45,000 मीटर क्यूब। शिफ्ट दिस टर्म, सॉल्व दिस, कितना आएगा आंसर देखो, डेसिमल में आ रहा है। हाँ जी आदित्य बोलो, 5, 6 मैम, 5, 6, 2, 5, 0, 0 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बहुत कम है बेटा आपकी, मैम 5, 6, 2, 5, 0, 0 5, 6, 1 minute, 5, 6 2, 5, 0, 0 That's it? Yes, ma'am. This is in meter. Only meter. Meter. Ma'am, meter square. Yes, obviously meter square. Because this is meter cube, and this is meter, and this is meter cube. One cancel ho gaya. तो x जो था वो एरिया था मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू मी हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड, तो ये आ गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, किस यूनिट में चेंज करेंगे बता सकते हो? 1 meter cube जो होता है क्या रिलेशन होता है, 1 hectare इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 hectare के लिए क्यों रिलेशन कहा तो किसी ने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। 1 hectare is equal to 10,000 meter square. 10,000 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 56.25 hectare लैंड विल बी इरिगेटेड। ओके, एक्चुअली काफी बड़ा नंबर है ना, तो बेटर टू गिव आंसर इन हेक्टेयर। रीड इट आउट वंस अगेन इफ यू हैव एनी डाउट। मैम हेक्टेयर में करना जरूरी है वैसे? नो इट्स नॉट कंपलसरी, पर आपको जैसे जैसे मैं आपको कहूँ आप 70 पैसे लिखते हो, तो पैसे स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है ना, तो आप उसको अपने आप किसी ने कहा या नहीं कहा आप उसको रुपीस में चेंज कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम जो जिसमें डील करते हैं, तो जो बहुत बड़ी लैंड होती है तो वो हेक्टेयर से एकर्स में होती है, इसलिए कन्वर्ट किया। ठीक है, अदरवाइज तो कोई कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। हो सकता है आंसर वहां पे इस तरह से देने हो, तो आपको दोनों ही बताऊं जी, आप दोनों लिख लेना आंसर। एक्चुअली जो रिलेशन है ये 10,000 है ना, और ये 10,000 से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए कन्वर्ट करना ही होता। अगर ये 10,000 से लेस होता फिर बिल्कुल नहीं करना था कन्वर्ट, लेकिन अभी 10,000 से ज्यादा है तो यू नीड टू कन्वर्ट। अर्शीन यस लिसन बेटा, इन द 9th क्वेश्चन यू हैव गिवन टू सिलेंड्रिकल आर्टिकल्स। वन इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, जो सिलेंड्रिकल पाइप है उस पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, वो टैंक में फिल हो रहा है, दैट इज सिलेंड्रिकल इंजन। ये पानी इसमें जाके फिल हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये जो है इसकी स्पीड जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, मींस लेंथ ऑफ द वाटर इज, लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन, और इसका जो डायमीटर है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और जो ये टैंक है
इसका डायमीटर है 10 और इसकी डेप्थ है 2 मीटर। आपने ये बताना है ये जो टैंक है ये कितने टाइम में फिल होगा। अब देखो ये पानी चलता जा रहा है, 1 आवर में इतना पोर्शन फिल हुआ, 2 आवर में इतना हुआ, 3 आवर में इतना हुआ। अब आपने ये बताना टोटल कितना टाइम लगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे, टाइम को सपोज कर लोगे टी आर्स, वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप इनटू टी आर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टी आ जाएगा वहां से डिवाइड करके। ये बड़ा है इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड, बट यूनिट का देखो, यूनिट का काफी चेंज है, यहाँ मीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये किलोमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पाइप। पाइप के केस में जो डायमीटर है दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस को कन्वर्ट कर लो, रेडियस को कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 10/100, 1/10 मीटर रेडियस आ गया, ठीक है? रेडियस आ गया। हाइट कितनी है, 3000 मीटर पर आवर, मींस 1 आवर में इतना पानी फ्लो करता है, तो बताना है टी आवर में कितना पानी फ्लो करेगा, ठीक है? दिस इज द यूनिट दैट वी हैव कन्वर्टेड एंड इन दिस केस वी डोंट हैव एनी इशू बिकॉज ऑल आर ऑलरेडी इन मीटर। लेट टी आवर्स will be taken, I'm doing it directly, side by side both the things I will consider, so T will be multiplied with pi, आप इसको capital R दे दो, ये 10 meter diameter है, radius 5 आ जाएगा, height 2 आ जाएगा, pi R square H, this is the volume of the pipe, is equal to volume of the tank. Hope it is clear to you all. So pi will cancel out. T, this is r square h upon r square small h. Is it okay? This is 5 into 5 into 2. And this is 1/10 into 1/10 into 3000. Okay? Let's see. 10 will move upward. It will be 25. कटिंग कर लेते हैं, मैं स्टेप और ले देती हूँ, देन वी विल मेक कैंसिलेशन, 2 zeros कैंसिल, 6 3 5 5 3 hours, चेक द आंसर, चेक द आंसर, इज इट इन डेसिमल, ये आर्स आया, ये आर्स आया आपके पास, आप इसको 60 से कन्वर्ट कर लो, 100 मिनट्स, आंसर विल बी 100 मिनट्स, मींस द टैंक विल बी फिल्ड इन 100 मिनट्स।